ਐਸਵੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਹਾ ਸਕੱਤਰ HS ਲਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਭ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ जे सरकार साड़ी गल नहीं मनेगी तो 8 दिसंबर नू भारत बंद किया जाएगा। उधर दिल्ली तो नेड़े हरियाणा ते उत्तर प्रदेश की सरहद ते प्रदर्शन कर रहे किसानों नू हटाने लई सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार नू पिटीशन दायर की गई है। पिटीशनकर्ता ने किसानों नू बॉर्डर तो हटाने की मांग की है। 3 केंद्रीय खेती कानूनों नू वापस लैण दी मंग संबंधी पंजाब हरियाणा समेत कई सूबयां दे किसानां दा धरना प्रदर्शन 11वें दिन दे विच दाखिल हो गया है। दिल्ली हरियाणा ते यूपी दे तकरीबन अधी दर्जन तो ज्यादा बॉर्डर सील ने, जिस नाल लोकां नू आवाजाई च खासी परेशानी दा सामना करना पै रहा है। सूत्रां दे हवाले तो अहम खबर। साबका केंद्रीय मंत्री ते बठिंडा तो सांसद हरसिमरत कौर बादल नूं साह लैण विच तकलीफ मगरों शनिवार शाम नूं PGI चंडीगढ़ च दाखिल कराया गया सी। इस मगरों देर रात हस्पताल तो डिस्चार्ज कर दिता गया। PGI चंडीगढ़ मुताबिक हरसिमरत दी कोरोना रिपोर्ट भी नैगेटिव आई है। दस दिए कि ANI न्यूज एजेंसी ने अपने ट्वीट विच हरसिमरत बादल दे PGI विच दाखिल होण दा खुलासा कीता सी। महत्वपूर्ण गल है कि नवे खेती कानूनों का श्रोमणी अकाली दल की आगू हरसिमरत कौर वालों लगातार विरोध किया जा रहा है। नवे खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में उसने सितंबर में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के अहुदे तो इस्तीफा दे दिया सी। पंजाब च लुटेरियां दे हौसले इन्ने वध चुके ने कि हुण पुलिस दा वी कोई डर नहीं रहा। अजिहा ही सामने आया मोगा च, जिथे कुछ नौजवान पुलिस दी ही सर्विस रिवॉल्वर लै के फरार हो गए। जानकारी दे अनुसार पुलिस ने मोगा दे पिंड जलालाबाद विखे नाकाबंदी कीती सी। पुलिस ने कुछ नौजवानां नूं रोकिया तां नौजवान पुलिस नाल उलझ पए ते किसे गल नूं लै के झगड़ा हो गया। बस फिर की सी, पुलिस दी सर्विस रिवॉल्वर हेठां डिग पई अते नौजवान उही रिवॉल्वर लै के फरार हो गए। पर हैरानी दी गल इह है कि जिस स्टेट च लुटेरियां नूं पुलिस दा ही डर नहीं, उस स्टेट दा तां रब ही रखा है। फिलहाल पुलिस ने सारे पिंड दी नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिता है, पर पुलिस दे आला अधिकारी इस मामले च कुछ भी बोलन नूं तैयार नहीं ने। उधर किसानों के हक च कांग्रेस पार्टी ने वड्डा ऐलान किया है। किसानों के हकों लई कांग्रेस जंतर मंतर ते धरना देवेगी। केंद्र दे वल्लों किसानों के मसले का कोई हल ना किते जाण दे चलदिआं हुण पंजाब दे सारे MP कल जंतर मंतर ते धरना देणगे। हालांकि इस धरने दे विच सारे MP शामिल होणगे, पर खास तौर ते रवनीत सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह औजला ते मुनीश तिवाड़ी भी इसे धरने का हिस्सा रहणगे। दस दईए कि जिथे सारियां राजसी पार्टियां किसानों के हकों प्रति केंद्र सरकार ते दबाव बना रहियां ने, उथे कल पंजाब कांग्रेस के सारे MP भी दिल्ली च जंतर मंतर ते धरना देणगे ते किसानों के हकों प्रति अपनी आवाज बुलंद करणगे। उत्तरी रेलवे वालों पंजाब च किसान अंदोलन नूं वेखते हुए 24 सितंबर तों हुण तक निरंतर रेल गड्डियां नूं रद्द करना पै रहा है ते उहनां दा रस्ता बदलिया जा रहा है ते कुछ नूं अंशक तौर ते रद्द कीता जा रहा है। इह सिलसिला सीधे तौर ते किसान अंदोलन कारण प्रभावित हो रहा है। रेल गड्डियां जिन्हां बारे रेल मंत्रालय ने आदेश जारी किए गए ने, उहनां च ट्रेन नंबर 05531 सहारसा अमृतसर, 05532 अमृतसर सहारसा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनां नूं 6 अते 7 दिसंबर नूं रद्द करन दा फैसला कीता गया है। इस तों इलावा नदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस अपनी यात्रा नवी दिल्ली विखे समाप्त करेगी अते वापसी नवी दिल्ली तों नदेड़ लई चलेगी। इसे तरह बांद्रा टर्मिनल अमृतसर पच्छम एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनल तों अंबाला कैंट तक चलेगी ते अंबाला कैंट अमृतसर विचकार रद्द रहेगी। मोगा पहुंचे हंसराज हंस नूं किसानां ने घेर लिया। दरअसल हंसराज हंस बाबा साहिब BR अंबेडकर नूं समर्पित एक प्रोग्राम विच शिरकत करन पहुंचे सन, जिथे उहनां नूं किसानां दे रोस सामना करना पिया है। किसानां ने हंसराज हंस नूं घेरा पा लिया ते उहनां नूं किसानी अंदोलन नूं लै के सवालां दे फायर दगने शुरू कर दित्ते। इस ते हंसराज हंस दी बोलती बंद हो गई। विरोध वाधा देख के पुलिस ने हंसराज हंस नूं पिछले दरवाजे तों कढ़ना पिया। किसानां ने कहा कि जेकर हंसराज उहनां नाल सचमुच है तां उह इस्तीफा दे के धरने विच किसान
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।